तो जानना चाहेंगे मेहंदी वाला घर जो है, इसमें क्या कैरेक्टर है आप तीनों का? मैं सबसे बड़ी बहू स्वरा, मैं हूँ तन्वी और मैं हूँ ज्योति, सबसे छोटी बहू। तो जैसे प्रोमो में देखा है परिवार वाले एक साथ आ रहे हैं, फिर कुछ अनबन्स में अलग भी हो जा रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है, मतलब परिवार क्यों दूर हुआ है? हम भी बता देंगे क्यों है, तो हमारी ऑडियंस हमें क्यों देखेगी, लेकिन आप जरूर देखिए कि वो क्या है जिसकी वजह से हम अलग हो रहे हैं। ओके, लाइक कहानी की बात करें, जैसे कि जो भी कहानी है, मतलब दशु को आप भले ना बदले, थोड़ा सा हिंट तो दे सकती है परिवार में, मतलब कैसा प्यार किस तरीके से है सबके साथ? प्यार है सब लोगों में, लेकिन जैसे कि सब परिवार में होता है, एक जॉइंट फैमिली जो होती है, कहते हैं कि हाथ में पांच उंगलियां होती है और पांचों बराबर नहीं होती, कभी ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। और फिर ईगो में आके भाई लोग, भाई बहन, परिवार टूट जाता है, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरे परिवार वापस से एक साथ इसी घर में आता है जानकी माँ की वजह से, और जुट जाता है फिर से, एंड उसके बाद क्या होता है यू विल हैव टू वॉच। और इस परिवार में कोई किसी से नफरत नहीं करता, सब प्यार करते, सिर्फ नाराज़गी है। बच्चे कैसे नाराज़ हो जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद समझ में आते, लेकिन बड़ों को ये बात समझ में नहीं आती। वो बात समझाने के लिए कौन आता है हमारी ज़िंदगी में और कैसे हम लोगों को जोड़ता है वो देखना पड़ेगा। बात करें शूटिंग्स की, तो उज्जैन में क्या कुछ मस्तियाँ चली हैं, क्या कुछ किया है आप लोगों ने एंजॉयमेंट? शी इज़ उज्जैन ही रिटर्न, वी डिडंट गो। उज्जैन में बहुत ज़्यादा मस्ती की, उसकी जो ठंड है वो तो टास्क। और तब हमें जब ये पतली पतली साड़ी पहन के हवा की ब्रीजों के साथ काम करना पड़ता था, तो भाई पूछो ही मत। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, वहाँ महाकालेश्वर भी जाके आए हम लोग, और वहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया खाना। खाने के बारे में आप ज़रूर मुझसे पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। मैम आपने कितना एंजॉय किया? लाइक आई एम तो लाइक आई लव बीइंग ऑन द सेट, मुझे एक्साइटमेंट होती है कि सेट पे जाना है, और जहाँ पे हंसी मजाक होते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्क, काम तो चलते रहता है, लेकिन उसके साथ उसके बाद जो जो हमारी बॉन्डिंग है, जो हमारा प्यार है एक्चुअल में ऑफ सेट एंड ऑन सेट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वे अप देयर। तो कोई किसी के साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ईगोज क्लैश नहीं होते है, कोई वेट अपना थ्रो नहीं करता, सब प्यार से रहते हैं और सब हंसी मजाक में ही रहते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ी सी गूफी हूँ और सब इनको पता है, बट हाँ संभाल लेते हैं। पर हाँ, इसी को तो परिवार कहते हैं ना, एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। सेम नहीं होते हैं वैसे, वैसे हम भी नहीं है सेम, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। ओके, सो लास्टली फैंस के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस आप सबसे गुजारिश है कि इस शो को प्यार दे, देखें, सराहे, और आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फैमिली ड्रामा है, आप लोगों ने ऐसी फैमिलीज देखी होगी छोटे शहरों में भी और बड़े शहरों में भी, फैमिली फैमिलीज होती है, चाहे वो छोटे शहर से आए बड़े शहर से आए, इमोशंस वैल्यूज सब सेम ही है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सब देखें और इसे प्यार दें। बिकॉज हमने बहुत मेहनत से एवरी वन ऑन द सेट, राइट फ्रॉम आर राइटर टू प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर टू एक्टर्स, बहुत मेहनत की है एक अच्छा शो बनाने के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन इमोशंस को लेके, ह्यूमन वैल्यूज़ को लेके, ह्यूमन रिलेशंस को लेके। तो प्लीज़ प्लीज़ हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, उम्मीद है कि ये शो आपको है। और आप मुझे देख रहे हैं स्नेह स्पीक्स। हाय, मेरा नाम गुण है और आप हमें देख रहे हैं स्नेह स्पीक्स पर। हाय, मेरा नाम पुष्पा राठौर है और आप मुझे देख रहे हैं स्नेह स्पीक्स पर।